हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिशा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्वीट डिश की रेसिपी जिसका नाम है ड्राई कोकोनट के लड्डू। इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन भी जाता है। आप इस दिवाली पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले एक पैन में हमें 2 चम्मच जितने घी को गर्म करने के लिए रखना है। घी गर्म होते ही मैं इसमें ये डालूंगी ड्राई कोकोनट, ये एक बाउल, ये दूसरा और ये आधा। यहाँ पे मैंने टोटल 2.5 बाउल जितना ड्राई कोकोनट यूज़ किया है। अब मैं इसे 1-2 मिनट के लिए हल्के हाथों से धीमी आंच पर भून लूँगी। इसे सिर्फ 1-2 मिनट तक ही भुनना है क्योंकि ज़्यादा भुनने से कोकोनट जो है वो जलने लगता है। अब हम इसमें डालेंगे ये एक बाउल कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड मिल्क और कोकोनट का मेज़रमेंट सेम बाउल से किया है। मिक्स कर लेंगे इसे। इसे भी हमें 2-3 मिनट के लिए ऐसे हिलाते रहना है। अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा इलायची पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे। अब मैं गैस को बंद कर लूँगी। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसमें से लड्डू नहीं बनेंगे अच्छी तरह से। इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ड्राई कोकोनट लिया है। अब मैं इसमें से ये लड्डू बनाऊँगी इस तरह से। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं लड्डू। इस तरह से रफ कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये मेरे सारे लड्डू ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के लड्डू बनाए हैं। ये जो हमारे लड्डू है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।